बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, गणेश जी को प्रथम देव माना गया है। हिंदुओं में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा वंदना की जाती है। ऐसा माना जाता है गुरुमुखो कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की स्तुति करने से कार्य में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गुरुमुखो, भगवान गणेश जी ने ही महाभारत काव्य अपने हाथों से लिखा था। पौराणिक कथा के अनुसार विद्या के साथ साथ भगवान गणेश जी को लेखन कार्य का भी अधिपति माना गया है। गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे अधिक धैर्यवान माना गया है। उनका चित स्थिर और शांत बताया गया है। कैसी भी परिस्थिति हो, वे अपना धैर्य नहीं खोते। गुरुमुखो, गणेश जी का ये गुण हमें भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जीवन में तनिक सी भी परेशानी आती नहीं कि हम अपना धैर्य खोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। गुरुमुखो, महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश जी की इस खूबी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और जब वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करने का मन बनाया तो उन्हें महाभारत जैसे महाकाव्य के लिए एक ऐसे ही लेखक की तलाश थी जो उनके कथनों और विचारों को बिना बाधित हुए लेखन कार्य करते रहे। क्योंकि गुरुमुखो, बाधा आने पर विचारों की सतत प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। इसीलिए वेद व्यास जी ने जब गणेश जी को महाभारत काव्य को लिखने का आग्रह किया तो गणेश जी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि काव्य रचना का आरंभ करने के बाद एक क्षण कथा कहते हुए रुकना नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर अपना लेखन कार्य रोक देंगे। और वेद व्यास जी ने भी उनकी यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद गुरुमुखो, महाभारत काव्य की रचना हुई। कहा जाता है कि महाभारत के लेखन कार्य में बिना रुके पूरे 3 वर्ष का समय लग गया। और फिर इस तरह से महाभारत काव्य की रचना हुई। गुरुमुखो, जिस प्रकार गणेश जी ने अपने दृढ़ संकल्प, अपनी बुद्धि, विवेक और अपने धैर्य का परिचय देते हुए एक महाकाव्य की रचना की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में गणेश जी के इन गुणों को धारण करना चाहिए। हमें भगवान गणेश जी की तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन पूरी श्रद्धा और दिल से करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान गणेश जी ने दृढ़ संकल्प लेकर महाग्रंथ को लगातार लिखते लिखते 3 वर्षों में पूरा किया, उसी प्रकार गुरुमुखों,
हमें भी गुरु महाराज जी द्वारा बताए गए पांचों नियमों श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके गुरुमुखो निश्चय ही आप सबका कल्याण होगा और गणेश जी की तरह धैर्यवान बनना चाहिए। गुरुमुखो जीवन एक संघर्ष है और हमें जीवन के हर पड़ाव पे किसी ना किसी कठिनाई, समस्या और परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। गुरुमुखो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख है और दुख बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है गुरुमुखो, यहाँ तक कि पशु पक्षी कीट पतंगों को भी अपना जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु वे भी हर तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। अतः इसी प्रकार गुरुमुखो हमें भी गणेश जी के इस गुण को भी अपनाना चाहिए और गुरु महाराज जी द्वारा दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे और गुरु कृपा प्राप्त कर सकेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी जरूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।